वहीं फतेहपुर में पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। उससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वहां पर एक बड़ी रैली की है। बता दें कि उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। कांग्रेस और बीजेपी के राज में किसान और युवा परेशान रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार ने शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में चार बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने उनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब चार बार बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने अन्य और मामलों के साथ साथ किसानों के हितों का भी हमने प्राथमिकता के आधार पर पूरा